हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर जो है जा रही हूँ अपने बुआ के यहाँ, और मतलब मैं जा रही हूँ और मेरी मम्मी जा रही हैं साथ में। दोनों लोग जा रहे हैं बुआ के यहाँ, और आरू तीनों लोग जा रहे हैं। तो हो सकता है शाम तक वापस आ जाएं, और करीब 12-1 बज गए हैं, दोपहर के 12-1 बज चुके हैं। तो बस मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मम्मी है, आरू है, सब लोग जा रहे हैं। एक्चुअली मेरी बुआ जो है ना, तो उन्हीं के दौरानी है, तो उनका मतलब एक्सीडेंट हो गया था, थोड़ा उनको चोट वगैरह लग गया है, तो उन्हीं को हम लोग देखने जा रहे हैं। हो सकता है शाम तक वापस आ जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को भी बुआ के यहाँ जो है सैर कराते हैं। एक्चुअली मैंने बुआ के यहाँ का वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ, मेरा एक वीडियो में है, मैं बुआ के यहाँ गई थी, वहाँ का मैंने वीडियो अपलोड किया था। तो आज मैं फिर बुआ के यहाँ जा रही हूँ, तो चलिए आप लोगों को फिर बुआ के यहाँ घुमाते हैं। तो इधर आरू भी मतलब रेडी हो गया है, तैयार हो गया है, और बस हम लोग निकलने ही वाले हैं। तो भाई जो है बाइक निकाल रहा है, तो आरू ऐसे बैठा था, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो बस फटाफट से हम लोग निकल रहे हैं बुआ के यहाँ, और दोपहर हो गया, धूप भी बहुत तेज़ है, इसलिए आरू ने ये कैप वगैरह लगा लिया है। इधर हम लोग बुआ के यहाँ पहुँच चुके थे, और पानी, फिर बुआ ने पानी लाया था, चाय वगैरह भी लेके आई। वो सब वीडियो मैंने नहीं शूट किया, मतलब भूल गई, बातों ही बातों में मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो शूट कर लूँ। तो फिर जब बुआ ने सबके लिए खाना लगाया, तो फिर मैंने भी ये वीडियो शूट किया। तो आज बुआ ने दाल वाली पूड़ी, सब्जी और खीर बनाई थी। वो ना मतलब जब भी बुआ के यहाँ जाओ तो कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनाती हैं। तो सुबह से ही लगी हुई थी बनाने में, जब हम लोगों को सुनी थी कि आ रहे हैं। और बुआ के यहाँ जाओ तो फिर मतलब बिना खाना खाए तो आने नहीं दे सकती हैं। तो बस आज बुआ ने यही बनाया था, यही थाली है, और बुआ के हाथ में ना बहुत ज़्यादा स्वाद रहता है, बहुत यम्मी खाना बनाती हैं बुआ। और इधर हम और गुड़िया दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं, गुड़िया मतलब बुआ की बेटी हैं, और तो दोनों लोग बैठ के खा रहे हैं। गुड़िया बोल नहीं सकती हैं, मतलब बोल नहीं पाती हैं, तो मैंने एक वीडियो में शेयर कर रखा है, और ये ना बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन करती हैं। मैंने वीडियो में शेयर किया है गुड़िया के साथ क्या हुआ था, भगवान ने बहुत बड़ा हादसा किया था गुड़िया के साथ। तो वो अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशनाइज रहती हैं, आप लोग उनका मतलब शरीर देख सकते हो किस तरह सूख सी गई हैं, मतलब टेंशन में बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो गुड़िया के दो बच्चे भी हैं, और ये बुआ और मम्मी दोनों खाना खा रही हैं। सब लोग समझाते हैं ना कि मतलब टेंशन मत करो, लेकिन मतलब मन नहीं मानता ना, टेंशन में तो रहेंगी ही, भगवान ने इतना बड़ा हादसा जो किया है उनके साथ। तो इधर जो येलो और मैरून कलर की साड़ी पहनी है ना, येलो वाली साड़ी जो पहनी, वही बुआ हैं, उन्हीं को चोट लगी थी जो हम लोग देखने गए थे। तो बाइक से मतलब उनको चोट आई थी, और सिर में बहुत ज़्यादा उन्हें चोट लगी थी। तो इधर सब लोग बैठे हैं, और जाने का टाइम भी हो गया हम लोगों का, क्योंकि शाम हो गया। तो बुआ रोक रही थी कि मतलब आज नहीं जाना है, लेकिन अब घर भी आना ज़रूरी था। तो बस अभी हम लोग को निकलना है, तो वही बुआ ना चावल का आटा है छान रही हैं, वो भी देने के लिए हम लोगों को। बुआ के यहाँ जाओ ना तो सच में मतलब कुछ ना कुछ परेशान हो जाती हैं वो, तो वही आटा छान रही हैं देने के लिए, चावल का आटा है। तो वही येलो वाली जो साड़ी पहनी, वही बुआ हैं जो उन्हें चोट लग गई थी। तो बस सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मम्मी, बुआ और छोटी बुआ सब लोग हैं, और सब लोग वही बातचीत कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग, शाम हो गया था, आप लोग देख सकते हैं धूप वगैरह गायब हो गया है, मतलब बिल्कुल एकदम शाम हो गया था। तो हम लोग निकल आए, बुआ रोक रही थी लेकिन नहीं रुकी हम लोग। तो बस रास्ते का व्यू है, ये बुआ के गांव का बाहर का व्यू है, और निकल आए थे हम लोग घर के लिए। तो बस अभी हम लोग घर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि बुआ का घर ना ज़्यादा दूर नहीं है, करीब आधे घंटे का रास्ता है, इससे ज़्यादा नहीं। बस हम लोग घर पहुंच चुके थे, और मम्मी वही ना चावल का आटा वगैरह जो बुआ दी थी, वही सामान निकाल के खाली कर रही हैं झोले को। और इधर भाभी लोग मतलब खाना वगैरह बना रही हैं किचन में, तो डिनर वगैरह बना रही हैं ये लोग। और इधर सब लोग बैठे हैं, सब लोग बातचीत कर रहे हैं। जब हम लोग बुआ के यहाँ से आए थे ना, तो सब लोग बस आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। और इधर भाभी लोग जो है अपने अपने कामों में लगी हैं, खाना पीना बना रही हैं। Thank you.
भाभी बना रही थी मटर पनीर, तो उसके लिए पहले इन्होंने जीरा का तड़का लगा दिया था, ऑयल डाल के जीरा का तड़का लगा दिया था। और जीरा जब चटक गया था तो इसमें डेली रूटीन के मसाले पड़े हैं, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा पनीर मसाला, जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, यही सब डाल करके। और जब मसाले अच्छे से भुन गए थे ना, तो फिर इन्होंने टमाटर और प्याज की प्यूरी डाल दी है इसमें। ये देखिए अभी भी टमाटर और प्याज की प्यूरी डाल रही हैं। तो जब मसाले अच्छे से पक गए थे तो टमाटर और प्याज इन्होंने डाल दिया था इसमें। और उधर जो है मटर पनीर जो है पनीर वगैरह कट करके रखा हुआ है, तो जब अच्छे से ये भुन जाएंगे तब इसमें ऐड होगा हरा मटर। फिर मटर भी ऐड हो गया है और इसको अच्छे से थोड़ा सा पकाना है, क्यों इसमें डालेंगे नमक ताकि मटर वगैरह अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो मसाले भी अच्छे से भुन गए थे, सब कुछ भुन गया था, तब इन्होंने मटर ऐड कर दिया है। और अब इसमें डालेंगे मसाले नमक ताकि अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाए मटर। उसके बाद फिर पनीर पड़ेगा, क्योंकि मटर पकने में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही, तो इसलिए नमक ऐड करने से जल्दी ये पक जाएंगे मटर। तो जितना ज़रूरत था, मतलब छोटा स्पून है इसे, इसे इन्होंने 2-2.5 स्पून डाल दिया है, छोटा वाला है। तो बस नमक अच्छे से मतलब मिक्स हो गया है और मटर भी थोड़ा सा हो जाएगा। तब थोड़ा सा पक गया था मटर, तब इन्होंने पनीर ऐड कर दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए। उसके बाद पनीर जो है रेडी हो जाएगा, पनीर की सब्ज़ी। तो बस ये थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था और ये अच्छे से लिक्विडी जो है मटर पनीर की सब्ज़ी तैयार हो गई है और बहुत ही यम्मी और सा जो है मटर पनीर की सब्ज़ी बनी थी। और उसके बाद इन्होंने इसके साथ बनाया है जीरा राइस और पूड़ी भी बना है, रोटी भी बना है, क्योंकि किसी को रोटी खाना था तो किसी को पूड़ी खाना था, इसीलिए जो है पहले रोटी बनाई थी थोड़ा सा, क्योंकि कोई किसी ने कहा कि पूड़ी नहीं खाएंगे, सादा रोटी खाएंगे। तो भाभी छोटी रोटी बना रही हैं, बड़ी वाली भाभी सलाद वगैरह काट रही हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा पूड़ी भी बनाना है, क्योंकि किसी को पूड़ी भी खाना था तो इसलिए बन रहा है। तो बस फटाफट से डिनर हो गया है रेडी, और ये रोटी बनाने के बाद थोड़ा सा पूड़ी बनेगा, उसके बाद डिनर रेडी हो जाएगा सब कुछ। बस फटाफट से थाली भी लग जाएगी सबकी। इधर दोनों भाभी ने जो है पूड़ियाँ वगैरह बना ली थी दोनों लोगों ने मिलके। तो उसके बाद पूड़ी वगैरह बनने के बाद फिर इधर इन्होंने थाली लगा दिया। तो आज की डिनर थाली यही है, जीरा राइस, पूड़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी और सलाद। तो आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए हमारे साथ, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, थोड़ा सा भी पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।